नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के 21 वर्ष पूरे होने पर वर्धा भवन दिवस सादगी पूर्वक मनाने और उसे जनसेवा को समर्पित करने का आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने दिया था। ऐसे में उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा लॉकडाउन के द्वारा पक्ष द्वारा किए गए जनसेवा के कार्यों को पत्रकारों के समक्ष जिला अध्यक्षा सोनिया धामी ने रखा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी की तरफ से अब एक लिंक जारी की गई है। इस लिंक के द्वारा लोग पार्टी से जुड़ सकेंगे। वहीं लिंक में अपने शहर, अपने परिसर की भी समस्याएं बता सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र सरकार में है और इन शिकायतों को राज्य सरकार द्वारा हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देखिए, 10 जून को पार्टी ने अपनी स्थापना के 21 वर्ष संपूर्ण किए हैं आदरणीय श्री शरद चंद्र पवार जी के मार्गदर्शन में। उसी संबंध में और इमीडिएटली उसके बाद जैसे कोरोना जैसी प्रॉब्लम्स से हमें सबको जूझना पड़ा, उसके संबंध में चर्चा और बातचीत करने के लिए रखे गए और पवार साहब के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ 8 महीनों के बाद ही स्थापना के राष्ट्रीय स्तर का उनको लेवल प्राप्त हुआ। इस सब का हमको गर्व भी है कि हम एक बहुत ही महान योद्धा के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और आज की जो पत्रकार परिषद है, ये एक पार्टी की तरफ से लिंक जारी किया गया है कि हमें अपने शहर के 3 मुद्दे जो हैं वो हमें उसमें लिंक के ज़रिए ऑनलाइन फिल करने हैं, जो ऑटोमेटिकली पार्टी ऑफिस से कनेक्टेड होंगे। और वो लिंक जो है वो हर पर्सन तक, हम चाहेंगे कि उल्लासनगर का हर पर्सन उस लिंक को फॉलो करे कि उसको अपने शहर में क्या सुधार लाने हैं और उस लिंक के ज़रिए वो जो प्रॉब्लम्स उल्लासनगर की हैं वो ऊपर तक पहुँचेंगी और उनको सल्यूशन निकालने में सफल होंगे हम लोग। तो उस मतलब पार्टी में लोग जो सम्मिलित होना चाहते हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, इसमें हर एक पर्सन, चाहे वो पार्टी का पद अधिकारी है या वो पार्टी का पद अधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता है या कार्यकर्ता नहीं है, या वो आम नागरिक है या वो किसी भी और भी पार्टी से रिलेटेड है, वो अपने शहर के मुद्दों को डिस्कस करना चाहता है तो वो लिंक के ज़रिए उसको फिल करके वो कर सकता है। और हम सब यही चाहेंगे कि भाई उल्लासनगर एक अच्छा डेवलप कंट्री मिले, डेवलप सिटी बन सके, क्योंकि बहुत दुख होता है जब अमरनाथ जैसा गांव एक डेवलप सिटी बन गया, कल्याण डेवलप हो गया, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मिस्टेक्स और गलतियां हम सबसे हुई हैं जो उल्लासनगर वहीं का वही रहा। कभी किसी ने सोचा कि क्यों नहीं उल्लासनगर की प्रोग्रेस हो पाई, जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लांट सिटी था। जिन्होंने भी खारघर देखा है, ये खारघर की तरह एक प्लान सिटी है, इसको क्यों नहीं बनाया गया? जहाँ हम लोग गलत या वो लोग गलत जिनके हाथ में ये शहर रहा, जहाँ वो लोग गलत जिन्होंने जिनके हाथ में शहर दिया, तो इसके ज़रिए हम शायद कुछ हद तक सक्सेस हो सके। कि मैं तो हमेशा हर बाइट में यही बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ये अपना व्यक्तिगत मत भी है और मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है कि आज हम चाहे ओपनली बोलें या नहीं बोलें, लेकिन हमारे बच्चों को शर्म आती है ये बोलने में कि हम उल्लासनगर में रहते हैं। उसके ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, ये तो मुझे लगता नहीं है कि हमें बोलने की ज़रूरत है। इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। जो आज तक 25 CR का फंड्स कभी आया नहीं है उल्लासनगर में, उल्लासनगर की डेवलपमेंट में वो आ गया है और हम उल्लासनगर को एक मॉडल सिटी बना के ही करेंगे, उसकी हमने शुरुआत कर दी है। और ये तो अभी आप सबके सामने हैं, शहर के सामने, कि इतना बड़ा फंड्स आज तक कभी हुआ नहीं है पास कभी भी, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमें पूरी जनता का साथ चाहिए, हर एक नागरिक का साथ चाहिए, ताकि हम उनकी हर समस्या से हम जूझ सकें, उनकी हर समस्या का समाधान ढूंढ सकें। ये लिंक ऐसी है कि हमारी जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनको यहाँ के शहर के इश्यूज़, ये पूरी लिंक पूरे महाराष्ट्र में दी गई है हर जिला अध्यक्ष को। और वो हर एक चाहते हैं कि जो आम नागरिक है वो भी इस लिंक से जुड़े, आम व्यापारी जुड़े, जिससे यहाँ का जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स हैं वो मालूम पड़ सके। और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस मुद्दों को
हल करने के लिए पूरा प्रयास करेगी, और वो हल करने के लिए ही ये लिंक जारी किया है कि जो चीज़ें यहाँ पे कोई कर नहीं सकता है वो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने माध्यम से शहर को निजात दिलाने के लिए आगे आई है। इस लिंक के जरिए मतलब आम जनता को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा? यस, वो भी है कि इस मुद्दे लिंक से कि जैसे आम जनता भी जुड़े, हमें पता चले कि आज राष्ट्रवादी को शहर से कितने लोग पसंद कर रहे हैं, वो इस लिंक से भी हमें पता चलेगा। शहर की कौन सी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं, तो कौन सी शिकायतों को आप लोग अहम मुद्दा बनाने की सोच रहे हैं? जैसे सबसे पहला है एक जो यहाँ का लचीला प्रशासन, उसमें तंदुरुस्ती आनी चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, कि जैसे लोग कोर्ट में जाके अपने न्याय लेने के लिए नहीं भटके। दूसरा है कि यहाँ पे जो रिलीफ कैंप होनी चाहिए, जैसे आगे चल के काफ़ी सारी बिल्डिंगों का प्रॉब्लम्स हो रहा है, हर साल 4-5 बिल्डिंगें ऐसी है जो ज़मीन दोस्त हो रही है, उनमें जो लोग रह रहे हैं आम जनता, वो टाइम पे उनको ऑप्शन नहीं रहता है, या उनकी समझो पूंजी इतनी नहीं रहती है कि वो दूसरा घर लेवे या तो भाड़े पे जा सके, तो वो टाइम बीइंग के लिए रिलीफ कैंप होना चाहिए कि जो बिल्डिंग गिरी है उनका कुछ टाइम के लिए बंदोबस्त किया जा सके, ऐसी कैंप होनी चाहिए। अभी कोरोना एक ज्वलंत मुद्दा है शहर का, उस विषय को लेकर आप लोग किस तरीके से शहर में काम चाहते हैं, या जो लोगों की समस्याएं सामने आ रही हैं उसको लेकर पार्टी किस तरह से लोगों के लिए लड़ने वाली है? देखो, उसके लिए हमने इतना लड़ाई किया कि जैसे हमारे पैनल के अंदर सिद्धिविनायक मेडिकल था जहाँ पे सीलिंग नहीं हुई थी बरोबर, हमने वो विषय उठाया और अपने बड़े वरिष्ठ लीडरों को बताया कि जिसमें कमिश्नर की भी बदली हो गई। तो इस तरह से हम हर एक मुद्दे पे आम जनता के साथ है, इस शहरवासियों के साथ है, और जो भी मुद्दे सामने आएंगे हम जनता के मुद्दे लेके प्रशासन के साथ वो हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारी पार्टी काम करेगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।